हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आई डब्ल्यू एम बस वीकली न्यूज रैप अप शो में। मैं हूं श्वेता गुप्ता और मैं आज आप सभी के सामने लाई हूं इस वीक के कुछ खास गॉसिप और बड़ी न्यूज। तो सबसे पहले बात करेंगे ये हफ्ते की कुछ खास बड़ी खबरों की। अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया है। अक्षय कुमार ने इस बात की जानकारी बुधवार सुबह को दी थी। वही हम आप सभी को बता दें, अक्षय कुमार कुछ ही दिनों पहले लंदन से वापस लौट आए थे अपनी मां को देखने के लिए। के खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया है। जी हां, रजत बेदी की गाड़ी से एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उस विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन वो बच नहीं पाए, जिसके बाद अब रजत बेदी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करवाया है। सलमान खान के हिट एंड रन केस को लेकर एक गेम आया है जिसका नाम है सलमान भाई, और वही अब सलमान खान ने कोर्ट पे अपील की है कि ये गेम पे बैन लगवाए, जहां कोर्ट ने इस गेम पर टेम्पररी बैन लगवाया है। कहा जा रहा है कि जब तक कार्रवाई पूरी ना हो तब तक ये गेम पर बैन लगा रहेगा। अब बढ़ते हैं IWM बस एक्सक्लूसिव न्यूज की ओर। सबसे पहले बात करेंगे रजनीश दुग्गल, पोपलानी, विंध्या तिवारी और अपर्णा दीक्षित की, जहाँ ये सभी एक्ट्रेस एक साथ नजर आने वाले हैं न्यू वेब सीरीज एग्जिट में। वही हम आप सभी को बता दें, फैंस काफी एक्साइटेड है इन सभी एक्ट्रेस को एक साथ देखने के लिए। प्रगति मेरा जल्द ही नजर आने वाली है स्टार प्लस की पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में। स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता में एंट्री ले रही है प्रगति मेरा, और उनके एंट्री से शो में कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इस पर जो नहीं एक्टर शगुन शर्मा अब नजर आने वाली है एपिसोडिक शो प्यार तुमने क्या किया में। नए शो की शूटिंग होने वाली है जयपुर में। वही हम आप सभी को बता दें, शगुन शर्मा इस पर जो नहीं में सोनू का किरदार निभा रही थी। अब पढ़ते हैं IWM बस एक्सक्लूसिव वीडियो की और सबसे पहले बात करेंगे मिलिंद गाबा की। मिलिंद गाबा बिग बॉस OTT में नजर आए, जहां वो लास्ट वीक इविक्ट हो गए और इविक्शन के बाद उन्होंने बताया कैसा रहा उनका बिग बॉस का जर्नी, और उन्होंने ये भी रिवील किया कि क्या क्षमता शेट्टी डोमिनेटिंग है। वो थैंक यू इज द स्मॉलेस्ट वर्ड, मतलब मेरी डिक्शनरी में शुक्रिया बहुत छोटा वर्ड है जो उन्होंने मेरे लिए किया और जो वो मेरे लिए अभी भी कर रहे हैं उसके लिए। वोट किया अपने दिन में से कीमती समय निकाल के, उन्होंने 24 घंटे सातों दिन देखा अपने फोन्स में मेरे लिए, यू नो रिबेल कर रहे हैं अब कि यू नो गाबा शुड गो इनसाइड अगेन, तो बहुत मैटर करता है। दिल जीतने आया था और दिल जीत के जाऊंगा। अब बात करते हैं रिचा चड्ढा की। रिचा चड्ढा नजर आ रही है वोट के न्यू वेब सीरीज कैंडी में, जहां कैंडी को लेकर कई सारे बज हो रहे हैं। क्या रिचा चड्ढा ने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस, क्या उन्होंने स्पेशल प्रिपरेशन किया अपने किरदार को लेकर। जी बिल्कुल, पहाड़ी इलाके में हमने पूरा शूट किया है और काफी सरियल है, कहीं हॉरर है, कहीं मर्डर मिस्ट्री है, तो बहुत अलग टाइप का शो है मेरे लिए भी। एंड आई होप लोगों को पसंद आए और बस ज्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं ये वीक के फैशन हिट्स एंड बिट्स की। सबसे पहले बात करेंगे दीपिका पादुकोण की। सोनी टीवी के पॉपुलर शो KBC में नजर आई दीपिका पादुकोण। मल्टी कलर ऑरेंज साड़ी में नजर आई और उन्होंने ये लुक को काफी ही अच्छी तरह कैरी किया था। जी हाँ, दीपिका ने अपनी साड़ी के साथ ग्रीन कलर का इयररिंग्स पहना था जो कि उनके लुक के साथ काफी ही अच्छा लग रहा था। वही दीपिका का ये लुक काफी ही बस कर रहा है। और मलाइका अरोरा नजर आई बैंड्रा में। हाँ, मलाइका अरोरा बैंड्रा में स्पॉट हुई और उन्होंने ओवर साइज प्रिंटेड शर्ट पहना था, जहां ये लुक ऑडियंस को नहीं पसंद आया मलाइका का, जिस तरह से वो हमेशा अपने लुक से ऑडियंस का दिल जीतते हुए आई है। जहां मलाइका अरोरा ने ओवर साइज शर्ट के साथ उन्होंने बूट्स वेयर किए थे, जो कि उनका ये लुक काफी ही निराशाजनक रहा। अब बात करते हैं ये वीक के बेस्ट शो रिव्यूज की। जी हाँ, हम आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं ये वीक के बेस्ट शो रिव्यूज, जो कि आप सभी ही देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की न्यू मूवी ब्लैक विडो की। विडो में नजर आ रही है स्कारलेट जॉनसन। कहा जा रहा है ये मूवी में हर एक किरदार को काफी ही अच्छी तरह डेवलप किया गया है। ये साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मनी हिस्स का न्यू सीजन आ गया है, जहां न्यू सीजन को लेकर कई सारे बस थे लेकिन कुछ ऑडियंस काफी ही उदास है न्यू सीजन की स्टोरी लाइन को देख
करते हुए जहाँ कुछ ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल पाए हैं जितना उन्होंने मरे हिस्से बाकी सीजन को लेकर किया था। जी टीवी पर नजर आ रहा है रिश्तों का मांझा। रिश्तों का मांझा एक नए स्टोरी लाइन के साथ सामने आया है। वही ये शो में रुशाल आहूजा के साथ आचल गोस्वामी नजर आ रही है मेन भूमिका में, जहाँ ये शो आप सभी अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये वीक के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक कई सारी न्यूज और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए IWM बस सिर्फ यूट्यूब चैनल पर।